हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर टेस्ट के बारे में। अगर सऊदी अरब के अंदर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, पार्किंग टेस्ट देना होता है, कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर टेस्ट के बारे में। कंप्यूटर टेस्ट दोस्तों, उसमें सवाल आते हैं, एक सवाल के चार जवाब होते हैं, और उन चार जवाबों में आपको एक को चुनना होता है कि कौन सा सही है। जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक करेंगे, अगर वो सही होगा तो हरा हो जाएगा, और गलत होगा तो उसमें पीला या लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर का नमूना, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको जरूर पूरा समझ में आएगा, और इंशाल्लाह आपको सहायता भी मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा कंप्यूटर टेस्ट के बारे में। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे दोस्तों। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ऊपर कोने में आपको वहाँ कंप्यूटर में टाइम चलता हुआ मिलेगा, यानी कि 29 मिनट मिले या 30 मिनट मिले या पौन घंटा मिले, यानी कि आपको ऊपर टाइम मिलेगा कि वो उल्टे सेकंड उसमें उल्टे चलते मिलेंगे, आपका टाइम कितने टाइम में पूरा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कोशिश ये करना है कि सवाल चेंज ना करें, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप सवाल चेंज करेंगे, वो सवाल आपकी गिनती में नहीं आते हैं कि आपने 10 सवाल चेंज कर दिए तो 10 सवाल की गिनती पूरी होगी, ऐसा नहीं है। आपका टाइम देखा जा रहा है, अगर आप टाइम खर्च कर देंगे सारा सवाल चेंज करने में तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा, तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और जितने सवालों के जवाब आपको पूरे करने हैं, अगर इतने गिनती में पूरे नहीं कर पाए, आप सही नहीं कर पाए, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम का भी ध्यान रखना है आपको, तो कोशिश ये करें कि सवाल चेंज करने की कोशिश कम करें और उसे समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में मैंने यही आपको दिखाया, पूरा नमूना दिखाया कि कंप्यूटर टेस्ट कैसे होता है, उसमें कैसे जवाब देने होते हैं, कैसे सवाल आते हैं, ये मैंने चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाई है। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए, और इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, और ड्राइविंग लाइसेंस आपको इंशाल्लाह जरूर आपके हाथ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस निशान की। इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है वाहन की लंबाई सीमा, यानी वाहन की लंबाई की लिमिट, यानी कि वाहन की लंबाई की सीमा, ठीक है। और दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है? बाईं ओर चलना अनिवार्य है, यानी बाईं ओर चलना जरूरी है, लेफ्ट साइड में चलना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है फेरी, फेरी। और दोस्तों, इसका मतलब है, इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी कि प्रवेश निषेध, ठीक है, प्रवेश निषेध। और दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है लोड सीमा, यानी कि लोड की लिमिट, ठीक है। और दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है यू टर्न करना मना है, यानी कि यू टर्न निषिद्ध। दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न प्रतिबंधित, ठीक है, हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। और दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है अनिवार्य, यानी कि जरूरी, आगे चलें या दाएं मुड़ें, ठीक है, जरूरी है। और दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रतिबंधित का अंत, यानी कि जो भी लिमिट पे या किसी भी चीज़ पे आपके प्रतिबंध लगा हुआ था वो यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। और दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे चलें या बाएं मुड़ें, ठीक है, सीधा चलें या बाएं मुड़ना जरूरी, ठीक है। और दोस्तों, इसका मतलब है खड़े होना या रुकना मना है, यानी रुकना या खड़े होना निषेध। और दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैलगाड़ी कार्ट हाथ गाड़ी निषिद्ध, ठीक है। और दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रक निषिद्ध, यानी कि ट्रक का ले जाना मना है, ठीक है, यानी ट्रक नॉट अलाउड। और दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पैदल यात्री निषिद्ध, यानी कि पैदल पार करना मना है, ठीक है, पैदल यात्री निषिद्ध। और दोस्तों, इस निशान का क्या मतलब है?
इसका मतलब है यानी कि बाएं मुड़ना मना है, बाएं मोड़ निषिद्ध। और दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों सड़कें निषिद्ध, यानी कि आना ही जाना मना है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इसका मतलब है आगे फिसलन वाली सड़क है, फिसलन वाली सड़क, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इसका मतलब है ओवरटेकिंग निषेध, यानी कि ओवरटेक करना मना। और दोस्तों इस निशान को तो सब जानते हैं, इस निशान का मतलब है रुकिए, स्टॉप, यानी कि रुकिए। और दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्सल लोड सीमा, एक्सल लोड लिमिट, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का मतलब है गिव वे, यानी कि रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इसका इस निशान का मतलब है जरूरी बस स्टॉप। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इस निशान का मतलब है अनिवार्य साइकिल ट्रैक, यानी कि साइकिल का रास्ता जरूरी, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इस निशान का मतलब है पैदल चलने वालों का मार्ग, यानी पैदल चलने वालों का रास्ता। और दोस्तों इस निशान का मतलब है ट्रोंगस निषेध, ट्रोंगस निषेध, यानी कि घोड़ा गाड़ी मना है, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इसका मतलब है दाएं मुड़ना जरूरी है, यानी कि राइट साइड में मुड़ना जरूरी है, दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का मतलब है यानी कि हॉर्न बजाना जरूरी है, हॉर्न अनिवार्य है, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, यानी कि एक तरफा रास्ता, एक तरफा रास्ता। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, अनिवार्य मोड़ दाएं और आगे, यानी कि थोड़ा सा आगे दाएं और मोड़ है, ठीक है, यानी कि आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, अनिवार्य बाएं मुड़ना, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ना जरूरी है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, आगे दाएं मुड़ना मना है, ठीक है, आगे दाएं मुड़ना मना है, दाएं मुड़ना निषिद्ध। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, पार्किंग नहीं है, यानी कि नो पार्किंग, ठीक है, पार्किंग करना मना है, ठीक है। और दोस्तों इस निशान का क्या मतलब है, इस निशान का मतलब है पेट्रोल पंप, यानी कि आगे पेट्रोल पंप है उसका निशान होता है ये,